हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल युगो गर्ल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर मास्क जिससे आप अपने बाल घर पर ही स्ट्रेट कर सकते हो बिना कोई हार्मफुल केमिकल यूज़ करें। जब हम रीबॉन्डिंग या फिर केमिकल स्ट्रेटनिंग बाहर से करवाते हैं तो हमारे बालों पर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जिससे कि हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। केमिकल मेथड के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहे हमें इम्प्रेसिव लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे बालों का झड़ना। ये हमारे बालों में से मॉइस्चर को छीन लेता है, हमारे बाल अंडर नरिश्ड एंड डल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क मैं आपको बताऊंगी वो आपके बालों की हेल्थ को बूस्ट करेगा, आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर को लॉक करेगा एंड आपके बालों को सिल्की एंड स्मूथ बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इस मास्क को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब इस कंटेनर में मैं 1 फुल कप ऑफ हीना का डालूंगी। हीना में अब हम 1/2 कप ऑफ मुल्तानी मिट्टी का ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 फुल कप ऑफ मेयोनीज का ऐड करेंगे हमारे मिक्सचर में। ये जो मिक्सचर है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। ये मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पे, एंड अगर आपको लगता है कि जो आपका मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप उसमें रॉ मिल्क ऐड कर सकते हो 1 कप, या फिर 1 कप ऑफ वाटर भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये सीरम। ये लगभग हमें 2 चम्मच ऐड करना है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करना है ये कंडीशनर। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सल्फेट फ्री है, इसमें पैराबिन नहीं है, एंड ये हम अपने स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करने के लिए। इसको भी लगभग 2 चम्मच ही यूज़ करना है। लास्ट में लेमन है, लेमन हम डालेंगे, एंड ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये मास्क रेडी हो गया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ये चम्मच से भी नहीं गिर रहा, इतना थिक आपको बनाना है। एंड मास्क लगाने से पहले आपको अपने बालों में से सारी उलझनें निकालनी है। आपको अपने बालों के इतने इतने सेक्शंस लेने हैं एंड उनको कॉम करना है अच्छे से कि बिल्कुल भी कोई उलझन ना हो। उसके बाद हम इस पर मास्क को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इमल्सिफाई करना है मास्क को अपने बालों में। स्कैल्प से लेके रूट तक इस मास्क को आप इसी तरह अपने बालों पे लगाएंगे एंड आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना है। ये देखिए, आपको अपने बालों को बिल्कुल इसी तरह सीधा रखना है। मैंने ये हेयर मास्क अपने पूरे बालों पर लगा लिया है एंड अब 1 घंटे तक इस हेयर मास्क को हमें ड्राई होने के लिए रहने देना है। मुझे 1 घंटा हो गया है इस पैक को लगाए हुए, तो अब मैं इसे वॉश कर लूँगी एंड मैं इसे वॉश करूँगी शैम्पू से। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके की हीट यूज़ नहीं की अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए। ये जो भी रिज़ल्ट आया है ये सारा नेचुरल है, क्योंकि हमने कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं किया, इसीलिए आपको इस मास्क को हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार लगाना पड़ेगा सो दैट कि आपको इसके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिल पाएँ। आई रियली होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को एक थम्सअप ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।